हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव प्रो। आज की जर्नी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हम लोग बाइक राइड करने वाले हैं तकरीबन 140-150 किलोमीटर। जर्नी हमारी बहुत ही ज्यादा लंबी थी, इसके वजह से हम लोग घर से बहुत ही ज्यादा जल्दी निकल गए। तकरीबन हम लोग 4:30 बजे निकले हैं और अभी बजे हुए हैं 6:50। अराउंड हमारे पास कुछ 2 घंटे हो चुके हैं और अभी जर्नी अभी भी हमारे पास और 2.5 घंटे की है। तो मैं आगे आपको लेके चलूंगा और आपको बताऊंगा कि बाइक राइड हमारा कैसा था और हमारे YouTube के टाइटल सबको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, आगे आपको बहुत बहुत अच्छी चीज़ हम दिखाने वाले हैं और हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड, तो अभी हम लोग मुरवाड से थोड़ा सा ही आगे आए थे। एक्चुअली यहाँ पे आते हुए रास्ते में हमें पंडरपुरी चाय दिखा, तलब भी लगा था, काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे थे, नींद भी हल्का हल्का आ रहा था, तो सोचा चाय पी लेते। तो अभी रुके फ़िलहाल यहाँ पे, तो चाय का मज़ा लेते फिर आगे चलते। पता नहीं आगे कुछ मिलेगा कि नहीं खाने के लिए। वैसे हम लोग ने मुरवाड से ले लिया कुछ खाने के लिए, बैग में भर लिए, आगे मिलेगा तो और कुछ ले लेंगे। हाँ एक्चुअली कप में ही देते पंडरपुरी। नहीं अभी ठीक है, चलो इसमें दे दिए। गर्म है काफ़ी। अभी करीब करीब 7:50 हो रहा है, तो हमें अभी रास्ते पर आते हुए एक होटल दिखा। वैसे बैनर से तो काफ़ी अच्छा लगा और भूख भी काफ़ी तेज़ लगा था, तो यहीं पे रुक गए कुछ खा लेते। पता नहीं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं है। और वैसे हाँ, अभी का अपडेट ये है कि आपसे करीब 76 किलोमीटर बाकी है, करीब करीब 2 घंटा बता रहा है। तो इसके लिए अभी हम लोग यहीं से कुछ खा लेते हैं फिर आगे चलते हैं। वैसे खाने के लिए संजू आप क्या खाओगे? मैं सोच रहा हूँ कि ना यहाँ पे मिसल पाव ही मंगा लेते हैं। ठीक है, मिसल पाव खाते हैं और आगे बढ़ते, क्योंकि अभी 2 घंटे लगेंगे और पता नहीं आगे कुछ मिले ना मिले, तो ऐसे ही भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो इसकी वजह से ये खा के चलते हैं आगे। ठीक है, तो आगे ज़बरदस्त बाइक गई बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। और एक्चुअली क्या है ना, हम लोग आ रहे थे बीच में तो हमें दिखा कि बहुत सारे बाइकर्स हैं इस रोड पर, तो शायद हमें लगता है कि हम जैसे आगे जाएंगे हमें और बाइकर्स भी मिलेंगे। तो चलो चलेंगे आगे, तब हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं और आगे की जर्नी आपको बताते हैं। नाश्ता हो गया, अभी हम निकल रहे हैं। वैसे नाश्ता अच्छा था, मिसल पाव ऑर्डर किए थे, अच्छा लगा। ये साई होटल श्री कंवर कृपा यहाँ पे किया। अभी फ़िलहाल तो रुकने का कोई प्लान नहीं है, अभी डायरेक्ट नॉनस्टॉप जाएंगे सोच रहे हैं। 79 किलोमीटर कुछ बचा है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अभी करीब करीब 8:19 हो रहा है, और रुके तो लेट हो जाएगा काफ़ी। देखते हैं, अभी नॉनस्टॉप जाने का इरादा है, आगे कुछ दिखा तो आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए मालशेज घाट पे। एक्चुअली मेरे को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीक के कई वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पे आने के लिए नो एंट्री है, मतलब पुलिस लोगों ने चेक वेक कर रहे थे, बाइकर्स लोगों को रिटर्न भेज रहे थे, तो उससे थोड़ा डाउटफुल था। लेकिन ठीक है, पहुँच गया, ऐसा कुछ दिखा नहीं रास्ते में, तो अगर कोई बाइकर आना चाहता है तो आ सकता है। एक बात है, यहाँ पर मतलब इतने बाइकर्स आते हैं ना, स्पोर्ट बाइक नॉर्मल बाइक काफ़ी ज़्यादा, और रोड भी काफ़ी सुंदर है और से मतलब राइड करने में अगर कोई बोर नहीं होगा राइड अगर करेगा तो। और यहाँ का व्यू वाव, आपको दिखाता हूँ मैं आगे सिनेमैटिक शॉट, एंजॉय करना उसे। तो संजू आपको कैसा लगा? अरे ऑसम एक्चुअली। जैसे यहाँ पे आया ना, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का एक व्यू बताता हूँ आपको। जैसे आप आगे चलोगे ना, एक व्यू है, ऐसा जगह है जो एक पत्थरों से बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। वहाँ पे खड़े रह के जो व्यू आ रहा है नीचे का, इट्स ट्रूली ऑसम, बहुत ही ज़्यादा। आपको दिखा दो आगे, चलो आगे बताते हैं। आई थिंक शायद इसे थंब पॉइंट बोलते हैं, राइट।
मैं भी श्योर नहीं हूँ, शायद थंब पॉइंट बोलते हैं, नेट पे दिखाया था। और मेरे बाल इधर उधर बिखर रहे बिकॉज हेलमेट के वजह से, तो इसे अवॉइड करना। तो चलो आगे का सीन मैं आपको दिखा दूँ। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए, नहीं, लेकिन नहीं, हमारा एक्चुअल मंजिल ये नहीं है। ये जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे रास्ते में आता था, इसलिए कुछ टाइम हम लोग यहाँ पे रुके हैं और आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाए। जैसे हम जा रहे हैं, अब आगे वीडियो में बने रही है, उस पर आपको दिखेगा कि कहाँ पर जा रहे हैं। तो ज़्यादा हाथ में समय नहीं था हमारे पास, उस वजह से जल्दी निकल रहे, ज़्यादा टाइम रुके नहीं यहाँ पर। तो चलो आगे दिखाते कहाँ पे हम जा रहे हैं। वैसे रुकने का तो काफ़ी मन कर रहा है, कौन छोड़ के जाना चाहेगा ऐसी जगह से, लेकिन क्या करें, समय की कमी, आगे चलना है। अगर नहीं गए तो लेट हो जाएंगे, काफ़ी लेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी करीब करीब 40 या 45 किलोमीटर दूर है। वो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो पर दिखेगा, इस वीडियो पर नहीं, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कहाँ पर जा रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। क्या खिंडीतून तसा सरळ तिकडे जायचा? क्या बोला तू? सरळ तिकडे जायचा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फाइनली हम लोग नानागढ़ पहुंच चुके हैं। लास्ट हमारे वीडियो पे जब हम लोगों ने पोस्ट किया था, हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारा वीडियो हम कंप्लीट कर नहीं पाए थे ड्यू टू कोरोना के वजह से। हम लोग यहां तक पहुंच चुके थे, इसके आगे हमारा जो भी था वो कोरोना की वजह से हम आगे जा नहीं पाए। बट आपको इस वीडियो में हम वहाँ का फाइनली बता देंगे कि यहाँ पे जो जो व्यूज है मैं आपको बताऊंगा। उस टाइम में कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, हमने जो ट्रैकिंग किया था वो हम लोग ने नीचे से आपको बताया था, हम लोग नीचे से ट्रैकिंग करके आए हुए थे। और अभी हम लोग जो आए वो बाय रोड आए हैं, बाय रोड में हम लोगों ने मालचेज घाट आपको दिखाया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ के कुछ पॉइंट्स है, रिवर्स वाटरफॉल मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और आपको इस वीडियो में और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हमारी छूट गई थी लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट करके दिखाएंगे। लगता है नसीब अभी भी ख़राब है, रिवर्स वाटरफॉल देखने आया था बट ये मेरे पीछे ही है। यहाँ पे बारिश कम होने की वजह से बंद है, पानी नहीं है, सूख गया, रिवर्स वाटरफॉल है नहीं। तो फिलहाल हम लोग ऊपर चल रहे हैं, यहाँ से ऊपर से देखते हैं, कुछ व्यू दिखा दो, बढ़िया है, देख के तो जाएंगे एटलीस्ट। लास्ट टाइम तो वो भी नहीं देखने मिला था, वहाँ से हमें रिटर्न कर दिया गया था कोरोना की वजह से, लेकिन अभी आए हैं तो ये देख के जाएंगे। लेकिन हाँ, एक मन में था सुबह मॉर्निंग में जब निकला था कि अच्छा व्यू मिलेगा, रिवर्स वाटरफॉल देखने मिलेगा, बाकी रह गया था एक साल पहले, तो शायद इस साल भी बाकी रह गया, कोई नहीं, हम फिर आएंगे।
फ्रेंड्स फाइनली ये वीडियो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो दो तीन पॉइंट्स थे हमें कवर करने थे लास्ट वीडियो में, जो हम कवर कर नहीं पाए वो हमने आज इस वीडियो में उसे कंप्लीट किया है। बाय रोड की जर्नी तो आपने मेरी हमारी देखी होगी, लेकिन इसमें फिर भी एक पॉइंट रह गया हमारा, जो रिवर्स वाटरफॉल है वो आप भी दो तीन दिन से बारिश यहाँ पर नहीं होने की वजह से हम लोग को नहीं दिखा पाए। और हम सोचते हैं कि अगर इन फ्यूचर हम लोग यहाँ पर दोबारा आए तो डेफिनेटली आपको वो दिखाएंगे। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही वीडियोज़ कंटिन्यूसली देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें देव ब्रो को, और जो भी कमेंट्स आपको हमारे वीडियो के एंड पे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।